सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। हमारा जो आज का सेशन है वो है सूरजमुखी की खेती। तो चलिए आज आप लोगों को सूरजमुखी की उन्नतशील खेती के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारी आए तो फिर आप लोगों के फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं कम लागत में कैसे सूरजमुखी की अच्छी खेती की जाए, बढ़िया उपज प्राप्त की जाए। तो जो सूरजमुखी होता है, पहले इसकी भूमिका बताते हैं आप लोगों को। जो सूरजमुखी होती है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है हेलियंथम एनुअस, और इसकी जो फैमिली होती है वो कंपोजिटी यानी कि एसेटरेसी होती है। और बात करें अगर गुणसूत्रों की, तो इसके गुणसूत्र 34 होते हैं। जो सूरजमुखी होती है ये हमारे देश के लिए तिलहन की नई फसल है, जिससे तेल निकाला जाता है उसे तिलहन कहते हैं, और तिलहन की ये एक नई फसल है। इसके बीज में अगर देखा जाए तो बीज में 40-50% तक अच्छी गुणवत्ता का तेल पाया जाता है, और जिसमें 64% लिनोनिक अम्ल होता है। ध्यान दीजिएगा, लिनोनिक अम्ल होता है। यह मानव की धमनियों में स्थापित होने वाले कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, और यदि देखा जाए तो इसके तेल में विटामिन ए डी ई पर्याप्त मात्रा में भी पाया जाता है। और अगर खली के बारे में बात की जाए तो इसकी खली में 40-44% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करता है कि हमारे पशुओं एवं मुर्गियों का एक बेहतर आहार होता है। यह एक कम अवधि की कैच क्रॉप है। इस फसल पर प्रकाश की अधिक का प्रकाश प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यह फोटो इंसेंटिव क्रॉप नहीं है। मतलब इसे दिन छोटा हो या फिर बड़ा हो, प्रकाश से कुछ मतलब नहीं। जो लोग देखते हैं कि सूरजमुखी प्रकाश की तरफ घूम रही है तो उससे कोई वो नहीं है, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे कि थोड़ी सी धूप अगर इसे लग जाए तो फिर क्रॉप बढ़िया होगी। धूप के लिए मतलब प्रकाश निष्प्रभावी फसल है, फोटो इंसेंसिटिव क्रॉप है, तो इस कारण इसे वर्ष भर बोया जा सकता है। तो कम अवधि में होने वाली इसे मिलावा खेती या फिर अंतर्वर्ती खेती या फिर आकस्मिक फसल या फिर कैच क्रॉप के रूप में आसानी से हम उगा सकते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति थी, यानी कि जो इसकी ओरिजिन प्लेस है जहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, तो ये मैक्सिको या फिर अमेरिका में माना जाता है। यह समशीतोष्ण जलवायु की अधिकालिक यानी कि डे न्यूट्रल पौधा है। इस कारण खरीफ, रबी, वसंत यानी कि तीनों ऋतुओं में आसानी से उगता है। फूलने का जो इसका समय होता है, वर्षा एवं अधिक आर्द्रता से कम बीज बनते हैं। इसके लिए इष्टतम तापमान जो होता है 20-25 डिग्री तक माना जाता है, और उचित जल निकास वाली दोमट, जो गहरी दोमट मृदा होती है जिसका पीएच मान 6.8 से लगभग 8 तक हो तो सर्वोत्तम होगी अगर मृदा की बात की जाए तो। और अगर उन्नतशील प्रजातियों की बात की जाए कि किस प्रजाति की हमें बुआई करना है, तो इसमें एक प्रजाति होती है सिद्धेश्वर, एक है MLFSH 47, एक है KBSH 44, या फिर आप उगा सकते हैं बादशाह की प्रजाति ले आइए, या फिर बिनमिक के ले आइए। एक UPS 1 आती है, UPS 5 आती है, K1 आती है, A1 आती है, या फिर N7 आती है, मॉडर्न इवार्फ आती है, सनराइज सेलेक्शन आती है, तारा आती है, मंजीरा आती है। ये अगर बात की जाए तो ये नवीन प्रजातियां हैं जो कि उन्नतशील प्रजातियां रिसर्च से निकाली गई हैं। इनकी अगर हम खेती करते हैं तो बढ़िया उपज प्राप्त होती है। अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड में है दिव्यामुखी, आप उगा लीजिए, या फिर ज्वालामुखी, लक्ष्मी, सूर्या, आदर्श 45 एक आती है। ये सारी जो किस्में हैं ये संकर किस्में हैं, यानी कि हाइब्रिड हैं। और अगर कंपोजिटी यानी कि संकुल की बात की जाए तो मॉडर्न और पैराडोविक आदि ये सारी किस्में जो हैं ये संकुल की हैं, यानी कि इन सब प्रजातियों की, इन सब किस्मों का अगर हम बुआई करते हैं तो इनसे भी बढ़िया उपज प्राप्त होगी। और कुछ प्रजातियाँ एक आती हैं जो झुलसा रोग आप सुने होंगे, तो झुलसा रोधी भी आती हैं प्रजातियाँ, जैसे MSFH2 है या फिर BSH1 है, तो ये झुलसा रोधी प्रजातियाँ हैं। और अगर पाउडरी मिल्ड्यू लगता है आपके एरिया में, पाउडरी मिल्ड्यू एक रोग का नाम है, तो अगर ये रोग आपके एरिया में लगता है तो इसकी भी रोग रोधी किस्में हैं निकाली गई हैं, जैसे MSFH30 है, 31 है, ये दो किस्में जो हैं पाउडरी मिल्ड्यू रोधी किस्में हैं। और गिरोई अगर ज़्यादा लग रही है तो गिरोई रोधक किस्में भी हैं, MSFH1 है और FSFH1 है, ये दो किस्में हैं जो गिरोई रोधक किस्में हैं। और अगर डाउनी मिल्ड्यू लग रहा है रोग, तो उसके लिए भी रोगरोधी किस्में हैं, जैसे DSH1 है, या फिर आप ले आइए KBSH1 ले आइए, या फिर LDM RSH3 ले आइए, या फिर MLFSH47 ले आइए। तो ये सब किस्मों का अगर हम बुआई कर रहे हैं, चुनाव करके बुआई करते हैं, तो बढ़िया उपज प्राप्त होगी। तो चलिए आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम से बुआई नहीं हो पाती, तो इस कारण भी उपज में जो वृद्धि जो होनी रहती है वो रुक जाती है, नहीं हो पाती। तो जो बोने का समय होता है खरीफ ऋतु में, चलिए आपको बताते हैं। तो जो खरीफ ऋतु में होता है, जुलाई के मध्य से
जुलाई से मध्य अगस्त तक, ध्यान दीजिएगा जुलाई से मध्य अगस्त तक, रबी मध्य अक्टूबर से नवंबर के अंत तक, और जायद की जो फसल होती है मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक। फिर से ध्यान दीजिएगा जुलाई से मध्य अगस्त तक, और ये जो है ये खरीफ की है, और रबी की अगर बात की जाए तो मध्य अक्टूबर से नवंबर के अंत तक, और अगर जायद की बात की जाए तो ये फरवरी से मध्य मार्च तक अगर बुआई करते हैं तो बढ़िया उपज प्राप्त होगी, अच्छे से ग्रोथ करेगा पौधा। और पौधों का जो अंतरण होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा जो डिस्टेंस होगी पौधे से पौधे और रो से रो, यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी होगी, तो ये 60x20 सेंटीमीटर, 60x20 सेंटीमीटर के अंतराल पर, अंतरण पर पौधों को हमें लगाना है। और जो बीज की गहराई रखनी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी है, कभी कभी ज़्यादा गहराई में बो देते हैं तो जो हमारी फसल होती है, जो हमारे बीज होते हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, देर में निकलते हैं, क्रॉप अच्छी नहीं होती, उपज में कमी आ जाती है। तो बीज की गहराई भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, तो 3 से 4 सेंटीमीटर पर अगर बुआई कर रहे हैं तो बढ़िया से क्रॉप ग्रो करेगी। और बीज की मात्रा भी ध्यान दीजिएगा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी का बीज रखा जाता है। और बिरलन बुआई के 15 दिन बाद पंक्तियों से घने कमजोर पौधों को फाड़कर उचित दूरी पर कर देते हैं। यदि अगर ज़्यादा पास पास पौधे लगे हैं तो उसकी बिरलन भी किया जाता है, यानी कि बीच बीच से पौधे निकाल करके उसकी जो डिस्टेंस होती है मेंटेन किया जाता है। सूरजमुखी का फूल भारी होने के कारण तेज़ हवा से गिरने का भय रहता है, और इसके लिए क्या करते हैं 45 से 50 दिन पर पौधों पर मेढ़ी चढ़ा देते हैं, जिससे अगर तेज़ हवा चल रही है तो हमारा पौधा गिरने न पाए। जो सूर्यमुखी एक खेत को कमज़ोर करने वाली फसल है, भूमि परीक्षण के अभाव में प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो जो होती है सूर्यमुखी की हमारी फसल, ये जो सॉइल फर्टिलिटी होती है खींचती है अपनी तरफ, तो इसके लिए हमें बढ़िया से इसे फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। तो प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। और अगर रासायनिक विधि से हमें खरपतवार नियंत्रण करना है तो उसके लिए देख लीजिए, उसके लिए फ्लोक्लोरेलिन, ध्यान दीजिएगा फ्लोक्लोरेलिन नाम की एक दवा है, जो 1.2 किलोग्राम मात्रा बुआई से पूर्व, तथा या आप ये भी यूज कर सकते हैं पेंडामिथिलिन की 1.2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण के पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये मतलब बुआई के पहले भूमि में मिलाया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। फ्लोक्लोरेलिन की 1.2 किलोग्राम मात्रा बुआई से पूर्व यूज की जाती है, या फिर आप पेंडीमिथिलिन की 1.2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण के पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक परसेचन प्रक्रिया होती है, तो यह एक परपरागित फसल है, यानी कि ऑटो परागण नहीं होता है, तो ये परपरागित फसल है जिसमें परागण क्रिया मुख्य रूप से कीटों द्वारा होती है ना, तो इसमें कीटों द्वारा परागण होता है। नर तथा मादा अंगों में थोड़ा अंतर पर परिपक्व होने पर 18 से 24 घंटे पर, अथवा कीटों की संख्या कम होने पर परागण की क्रिया अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं हो पाती, जिससे मुंडक में बीज कम बनते हैं। तो क्या करते हैं, और उपज जो होती है वो घट जाती है, जाहिर सी बात है उपज में कमी आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, मखमली कपड़े को हथेली में लपेटकर प्रातः 8 से 10 बजे तक, फूल खिलने का जो समय होता है 8 से 10 बजे तक, उसी समय पर मुंडक पर हल्के हाथ से रगड़ने से परागण क्रिया ठीक से संपन्न हो जाती है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि परपरागित फसल है, कीटों द्वारा परागण होता है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कीटों की संख्या जो रहती है वो कम हो जाती है, तो इससे जो हमारे बीज बन रहे हैं, जो हमारी उपज बीज ही देते हैं, तो जो बीज बन रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक मखमली कपड़ा लेना होता है, उसे हाथ में लपेट कर प्रातः 8 से 10 बजे का जो समय होता है वो सूरजमुखी को फूल जो होता है उसे खिलने का समय होता है, तो उसी समय हाथ में लपेट कर मखमली कपड़ा, उसी से मुंडक पर हल्के हाथ से रगड़ने से जो परागण क्रिया होती है ठीक प्रकार से संपन्न हो जाती है। यह क्रिया पहले फूल के किनारे की तरफ फिर अंदर की तरफ करते हैं, पहले किनारे किनारे करेंगे उसके बाद अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। तो 4-5 पत्ती फूल एवं दाना बनने की आवश्यकता अवस्था सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं हैं। तो जब पौधों में 4 से 5 पत्तियां आने तक की अवस्था रहती है, या फिर फूल खिलने की या फिर दाना बनने की जो अवस्था होती है, ये सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं यानी कि क्रिटिकल स्टेज हैं। इस टाइम पर अगर हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तब फिर हमारी फसल की जो उपज रहेगी उसमें कमी आ जाएगी।
होते हैं, जब जब क्रिटिकल अवस्थाएं होती है तब तक सिंचाई की मोस्ट नेसेसरी रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यक कंडीशन आ जाती है। जैसे गेहूं में 21 दिन की जो अवस्था होती है वो क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज होती है, यानी कि CRI स्टेज। अगर उस समय हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं गेहूं की, तो हमारी गेहूं की जो फसल है उसमें उपज में एक भारी वो कमी आने देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार सूरजमुखी की क्रांतिक अवस्थाएँ हैं, जैसे 4 से 5 पत्ती बनने की अवस्था, उसके बाद फूल निकलने की अवस्था, उसके बाद दाना बनने की अवस्था, ये सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएँ हैं, यानी कि क्रिटिकल स्टेज। तो रबी की जो क्रॉप रहती है उसमें औसतन 2 बार, जबकि बसंत और जायद की ऋतु में 5 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद क्या होता है कि इस फसल जो हमारी फसल होती है सूरजमुखी की, इसमें चिड़ियों का जो प्रकोप रहता है, जैसे विशेषकर तोते आदि का आक्रमण, तो ये ज़्यादातर होता है, अत्यधिक यही होता है। तो इसकी रखवाली की भी विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और तो हमें क्या करना होता है, खेतों में रखवाली भी करनी पड़ती है, जिससे तोते या फिर जो विशेष प्रकार की कोई चिड़िया उड़िया हैं तो वो न लगने पाए, जिससे हमारी क्रॉप में नुकसान हो, उपज में कमी आ जाए। तो इस फसल की जो कटाई होती है वो प्राय एक साथ नहीं करते हैं, बल्कि जब परिपक्व मुंडक का पिछला भाग पीला पड़कर भूरा होने लगे तो कटाई 2-3 बार में कर लेनी चाहिए। जैसे जैसे पीला होकर भूरा पड़ रहा है वैसे वैसे हम कटाई करते जाएंगे, एक साथ नहीं कटाई की जाती, मीन्स एक साथ पूरे खेत की कटाई नहीं करनी है। जैसे जैसे परिपक्व हो रहा है एक एक पौधा हम काटते लेकर चले जाते हैं, है ना। तो सूरजमुखी में जो कीटों का प्रकोप होता है वो बहुत कम होता है, किंतु चने का फली वेधक एक मुख्य कीट है, इसका नाम आपने सुना होगा, चने में आप लोगों ने देखा होगा फली वेधक कीट आता है जो फली को छेदकर उसके अंदर घुस जाता है। तो उसी कीट का हमारे जो सूरजमुखी की क्रॉप होती है इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये क्या करता है, ये मुंडक के दानों को खाता है, इसके लिए एक दवा आती है जिसका नाम है इंडोसल्फान 35 EC। तो इसको लेकर के आएंगे और 750 mg प्रति हेक्टेयर मात्रा की दर से छिड़काव कर कीटों को नियंत्रित करते हैं। तो ये दवा का नाम फिर से सुन लीजिए, इंडोसल्फान 35 EC, इसकी 750 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। और इसमें जो रोग लगता है, कीटों की बात हो गई, ठीक है, कीटों की बात हो गई, अब रोगों की बात आती है। तो इसमें जो प्रमुख रोग है वो झुलसा रोग पकड़ता है ज़्यादातर, तो झुलसा रोग विशेषकर ये खरीफ ऋतु वाली फसल में ज़्यादातर लगता है। तो इसके लिए एक दवा आती है जिसका नाम है डाइथेन एम 45, इसी को 0.3% मात्रा का छिड़काव करते हैं 15 दिन के अंतर पर 2 बार, ध्यान दीजिएगा 2 बार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। दवा का नाम है डाइथेन एम 45, इसकी 0.3% मात्रा का छिड़काव किया जाता है, दो बार किया जाता है 15 दिन के अंतराल पर। इसके साथ साथ क्या होता है, उकठा या फिर एल्केरेसिया नाम का एक मूल बिगलन रोग आता है, जड़ बिगलन रोग, बिगलन मीन्स होता है जैसे गल जाते हैं जड़ें, तो ये रोग आता है। तो यह इसका जो फफूंद होता है, जिस फफूंद के कारण फैलता है, इसका नाम है स्क्लेरोटोनिया, इस नाम का एक फफूंद होता है जिसके द्वारा यह रोग फैलता है, इसे उकठा कहते हैं या एल्केरोसियन कहते हैं। यह मूल विगलन रोग है जिससे जड़ें गल जाती हैं। तो इसमें पौधे की जड़ जो होती है, कभी कभी मुंडक भी सड़ जाता है, जड़ तो सड़ती है उसके साथ साथ मुंडक भी सड़ जाता है। तो इसके लिए जो प्रभावित पौधे होते हैं उसे उखाड़ना, जलाना या उचित फसल चक्र अपनाना, ये सारी क्रियाएँ अगर की जाएँ तो इस रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर बात करते हैं कि भारत में सूरजमुखी कब आई, तो सूरजमुखी भारत में सूरजमुखी की 4 किस्में, जो एक पहली थी विनमिक और एक थी वैराडोबिक और अर्भाविरजिसिक और एक थी अर्मावर्त, तो ये 4 किस्में जो थी भारत में सूरजमुखी की, ये 4 किस्में जो थी सबसे पहले मंगवाई गई थी। तो ये आई थी वहाँ से, एक कंट्री है जिसका नाम था संयुक्त रूस गणराज्य एक कंट्री थी, तो वहीं से मंगवाई गई थी 1969 में। और कनाडा से सनराइज नामक किस्म मंगाकर सभी का परीक्षण किया गया और उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुआ, तब जाकर के हमारे देश में सूरजमुखी की खेती स्टार्ट की गई। बड़े बीज का आकार सफ़ेद किस्मों में तेल की मात्रा अधिक तथा छोटे आकार की किस्मों में कम तेल पाया जाता है। तो जिस प्रजाति का जो बीज होगा वो बड़ा होगा तो उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, और छोटे आकार की किस्मों में जो बीज होते हैं तो उनमें तेल की मात्रा कम पाई जाती है। इसके फूलने के लिए प्रदीप्ति काल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु 12 से 14 घंटे का प्रदीप्ति काल जो होता है वो वांछनीय होता है, यानी कि डे न्यूट्रल क्रॉप है। सूर्य के प्रकाश का, यानी कि दिन में धूप निकल रही है नहीं निकल रही, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
तो अगर भारत में देखी जाए, भारत में अगर बात की जाए, तो इसकी खेती मुख्यतः जो होती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में की जाती है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती मुख्य रूप से कानपुर तथा फर्रुखाबाद में की जाती है। और इसके बीच का अगर भार परीक्षण किया जाए, टेस्ट वेट निकाला जाए, तो 78 से 84 ग्राम होता है। और जो सूरजमुखी का तेल होता है शीघ्रता से खराब नहीं होता, अतः इसके लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। और इसका तेल जो होता है जल्दी खराब नहीं होता। इसके लिए इसके तेल में जो होता है अगर एक चीज़ पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है जिसको नाम है लिनोनिक अम्ल। क्या नाम है? लिनोनिक अम्ल। और इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है? पानमिटिक अम्ल पाया जाता है, सियारिक अम्ल पाया जाता है, ओलिक अम्ल भी पाया जाता है। सूरजमुखी की जड़ जो है ये मूसला होती है, इसी का कारण इसके जो एक क्षमता होती है सूखा सहन करने की सबसे ज़्यादा होती है सूरजमुखी की। तो अगर बात की जाए सूरजमुखी की फसल का जो अंतराल होता है, कितने दिन में सूरजमुखी की फसल तैयार होती है, तो ये 90 से 105 दिन की फसल होती है। 90 से 105 दिन की फसल होती है, 90 से 105 दिन में ये फसल हमारी जो होती है पककर तैयार हो जाती है। और अगर उन्नत विधि से इसकी खेती की जाए, तो उत्पादन किया जाए, तो फिर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है, जो कि कम नहीं होती। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग सूरजमुखी की खेती करेंगे उन्नत तरीके से, जिस तरह से हमने बताया हुआ है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।